सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल के एम चुका सक्का वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आप सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक। अल्लाह हम सबके रंजो गम दूर करे और जितने लोग इस दुनिया से चले गए हैं उन सबका दर्जा बुलंद करे। कमेंट में लिखो आमीन। तो गाइस ब्लॉग में बने रहें, मुझे फटाफट नहाने जाना है। A few moments later. तो फाइनली गाइस मस्त नहा धो के मैं रेडी हो गया हूँ और अब चलते ईद की नमाज पढ़ने। और सबसे पहले मुझे इसका साफा बनवाना है अपने सिर पे। तो चलते हैं फिर। ईद मुबारक हो वैस भाई, बोलोगे नहीं आपको भी गजब बेइज्जती है। तो गाइस फाइनली मैंने साफा बनवा लिया है अपने खलेरे भाई से। खाला के घर गया था मैं भी साफा बनवाने, आपने वीडियो में देखा होगा। तो फिर चलते ईद की नमाज पढ़ लें। तो गाइस फाइनली ईद की नमाज हो चुकी है और मैं घर आया हूँ सेमई खाने, और सेमई खाने के बाद फिर आपको लेके जाएंगे ईद में। तो गाइस ये गेहूं है जो सदका निकालते हैं, वो गरीबों में दिया जाता है। मैंने स्लीपर इसलिए चेंज की, जूते इसलिए पहने क्योंकि पैर गंदे हो रहे थे ना इसलिए। हेलो तू कहाँ है? अच्छा ठीक है आ रहा हूँ। हो चुकी बात, चलते हैं फिर। मैं चल दिया हूँ अपने दोस्त के पास जहाँ पे ईद लगती है वहाँ। निम्मू ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक आपको भी। वीडियो ईद मुबारक। मैं आ चुका हूँ ईद में, देख सकते हो आप। ईद मुबारक आपको भी मेरे भाई। सब बोलो एक साथ ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। मुबारक ईद मुबारक सभी भाइयों को। ईद मुबारक।
और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं। और मियां भाई ईद मुबारक, ईद मुबारक। जैदू, अरे तो फिर ईद नहीं मिलेगा, ईद नहीं मिलेगा। ईद मुबारक आपको भी, आपको तो गाइस हम करेंगे अब यहाँ पे कुछ फोटो शूट, ईद के लिए स्टेटस पे लगाएंगे दोस्तों के साथ। बाबा बड़ा कैमरे में रखा हुआ है, एक फोटो नहीं लिया मेरा, फोटो खिंचा रहे हैं ऐसे। हो गया ना, तो इतना खर्चा हो गया मालिक, थोड़ा और लोग आए पहले को सरावट मिल गई है, काफी खुशी लगती थी। इसमें कर काफी उड़ रही है यहाँ पे, यहाँ पर पानी मारना चाहिए। टाइम हो गया घर चलते, नींद लग रही है, बिल्कुल आंख लाल हो रही है मेरी गाइस, देख सकते हो। मुझे घर जाके सोना है भाई, चलो वो। चलो चलो मेरी तरफ से सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों को ईद मुबारक, और हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है जी, ये भेदभाव वाली दुनिया। इंटर क्या कह रहे यार, गाड़ी नहीं चल रही, इसमें पिंचर भी नहीं। अच्छा कुर्ता फंस गया था, तो फिलहाल तो घर तो आ चुके हैं, ये मेरा घर है गाइस, देख सकते हो, ये वाला घर आ चुके हैं। गाड़ी खराब हो पिंचर हो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपना घर आ गए, वो अपना घर है वहां पे। और शेख हूँ, नींद नहीं लग रही तुझे, पूरी रात का जगा हुआ ये बंदा। हम गए थे बहरी शॉपिंग करने चांद रात को, उसका मिनी ब्लॉग आएगा आपको, मिनी ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा आपको, फुल ब्लॉग नहीं मिलेगा चांद रात का। तो आमिर भाई ईद कैसी रही आपकी आज? माशाल्लाह काफी बेहतर रही, हमने बहुत ही बढ़िया खिताब किया और काफी इस्लाह की, इस्लामिक बहुत बेहतर लगा, बहुत बेहतर। कभी कभी सुनने मिलते मौल साहब की तकरीर ना, है नहीं, बहुत कम हमें सुनने के लिए मिलती है गाइस मौल साहब की तकरीर, जो मैंने आज ईदगाह मस्जिद में सुनी है ईद की नमाज में। और बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं तकरीर सुनने के लिए, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वहाँ पे। तुम्हारी बाइक ठीक हो गई? बाइक खराब तो हुई थी, चलाने वाला बेकार था, मैं ड्राइवर के साथ रात के थके हुए हम लोग, ये भी मैं भी और शेखू, हम बहरी गए थे गाइस और 5 बजे आए वहां से। तो गाइस ब्लॉग को करते ही पे एंड, और मैं जाता हूँ सोने, मुझे बहुत तेजी से नींद लग रही है गाइस। A few moments later. तो गाइस मैं घर चला गया था, शेखू ने मेरे को कॉल करके बुलाया कि घर से बाहर आना, तो मैं आया हूँ यहाँ पे। अच्छा मिठाई, हाँ दुबई का माल है, इसे क्या बोलते हैं, दांतों से तोड़ने की जरूरत नहीं है इसको, ऑटो पे रखो टूट जाएगा। कहाँ पे? अरे मुझे नींद लग रही है मेरे भाई, बहुत तेज नींद लग रही है, आंखें देखो। तुम बैठो, तो फिर मैं चलता हूँ घर सोने के लिए, बहुत तेज नींद आ रही है मेरे को, बहुत ज्यादा तेज नींद आ रही, बहुत।